दोस्तों मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं रामजी टेक्निकल। क्या आपका भी ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा है, यानी कि ब्लूटूथ कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है या फिर विंडो 10 में आपका ब्लूटूथ हेड ब्लूटूथ डिवाइस है वो नॉट सो बता रहा है, यानी कि सो नहीं कर रहा है? जी हाँ, पिछले ऐसे ही कुछ सवाल है। पिछले कई वीडियो में ब्लूटूथ के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया था उस पर कई सारे लोगों ने कमेंट किया कि भाई मेरी ब्लूटूथ में कनेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है, और कितनों ने कमेंट किया ना कि मेरे विंडो 10 में ब्लूटूथ नॉट सोइंग बता रहे हैं, मतलब सो ही नहीं कर रहा, मतलब उसका आइकन दिख नहीं रहा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा कि कैसे जो है आप विंडो को शो करा सकते हैं और कौन सी दिक्कत हो सकती है। सिंपली सी बात है कि यदि आपके सेटिंग में विंडो को ब्लूटूथ का सेटिंग वो डिसेबल किया गया होगा तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। फिलहाल के लिए दोस्तों हमें जो है सेटिंग में जाकर जो है अभी बता देता हूँ, लेकिन फिलहाल उससे पहले यदि आप विंडो 10 यूज कर रहे हैं तो आपको जो साइड में कॉर्नर मिलता है वहाँ भी आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन जो है वो मिलता ही है। ठीक है, यहाँ देखिए साथ साथ, ठीक है। उसके बाद जो है चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ सीधे स्टेप बाय स्टेप जो है कैसे आपको क्या करना है। तो सबसे पहले सेटिंग में चले जाइए, विंडो की सेटिंग जो होती है आपको कहीं से भी छोड़ कर चले जाना है विंडो की सेटिंग में, यदि आपको आइकन पर मिल जाएगा। अब क्या करना है कि आपको जो है यहाँ पर देखिए सारे कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं, आपको सीधे जो है डिवाइस पर क्लिक करना है, क्योंकि आपको ब्लूटूथ प्रिंटर वगैरह कुछ भी डिवाइस का है तो डिवाइस पर क्लिक करना है। ठीक है, क्योंकि ब्लूटूथ के कनेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सीधे दिखा रहा है कि भाई ब्लूटूथ में लिखा हुआ है, अब बाद आ ये शो कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए मेरे में जो है भाई ब्लूटूथ जो है शो कर रहा है विंडो 10 में, ये हम मैं जो है यूज कर रहा हूँ विंडो 10 है और इस पे टॉप पर लिखा हुआ है ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइसेस। ठीक है, अब इसको हम जो यहाँ से ऑन कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ऑफ है, इसको ऑन कर सकते हैं, फिर ऐड ब्लूटूथ अदर से कोई मोबाइल है या फिर कोई भी अदर है उसको डालकर जो है हम इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो पहले से डिवाइस है रेडमी पेयर है, पहले से कुछ सेट बन करता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों यदि आपका शो नहीं कर रहा है तो सीधी सी बात है कि आपके जो विंडो का डिवाइस मैनेजर है उसने इसको डिसेबल किया होगा। अब कैसे जो है आपको अगर डिसेबल है कैसे पता चलेगा, उससे पहले दोस्तों देखिए आपको जब भी आपका ब्लूटूथ ऑन होगा तो यहाँ पर आपका सिस्टम का जो है दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए दिखा रहा है जो डेस्कटॉप का ब्लूटूथ का जो एक नेम होता है वो दिखा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको मैंने बोल दिया कि यदि आपके जो सिस्टम में ब्लूटूथ शो नहीं कर रहा है तो आपको जो है जाना पड़ेगा डिवाइस मैनेजर में। डिवाइस मैनेजर आपको क्या होता है अभी नेक्स्ट वीडियो में वो बता दूंगा डिवाइस मैनेजर में कैसे जाते हैं और कैसे जो है उसको विंडो को जो है डिसेबल है तो इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए दोस्तों यदि आपके विंडो में जो है प्रॉब्लम है, यहाँ पर देखिए फिक्स ब्लूटूथ प्रॉब्लम है, तो इस पर क्लिक करके दोस्तों आप चाहे तो इसको रीइंस्टॉल भी कर सकते हैं यदि ज़्यादा दिक्कत है तो। ठीक है, रीइंस्टॉल कर सकते हैं अपने इस पर ब्लूटूथ को, तो सीधे आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आपको क्लिक करना है तो आप डायरेक्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट का खुलकर आएगा, आपको डायरेक्ट स्टेप बाई स्टेप जानकारी ले लेना है कैसे जो है आपको इसको ड्राइवर को जो है अपडेट कर सकते हैं या फिर ब्लूटूथ डिवाइस है उसको रीइंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि दोबारा उसको डिसेबल पहले अनइंस्टॉल कर दीजिए उसके बाद से इंस्टॉल कर दीजिए। यदि दोस्तों ऐसे भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करिए कि अब जो है आपकी दिक्कत क्या आ रही है, मैं आपके ब्लूटूथ के प्रॉब्लम के हमेशा जो है सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। फिलहाल के लिए यदि आपके विंडो में ब्लूटूथ शो नहीं कर रहा है तो ये वीडियो से देखिए, और नेक्स्ट वीडियो जो आ रहा है उसे मैंने क्लियरली बताया कि यदि आपका विंडो शो नहीं कर रहा है तो कैसे शो करें। ठीक है, साथ ही दोस्तों कि ब्लूटूथ जो है अपडेट कैसे करें, ब्लूटूथ ड्राइवर ये भी मैंने उसमें बताया है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा कि डिवाइस मैनेजर से जो है ब्लूटूथ डिसेबल है तो उसको इनेबल कैसे करें।